हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश से 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों, डंगों और खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रास्तों, डंगों की मरम्मत के लिए तत्काल प्रभाव से 1,00,000 देने के विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं और तुरंत प्रभाव से मनरेगा योजना के तहत 1,00,000 रुपए देने के कहा है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रास्ते, डंगे और खेतों को नुकसान पहुंचा है। इसको देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा योजना के तहत प्रभावित लोगों को 1,00,000 की राशि तत्काल प्रभाव से देने का फैसला लिया गया है, ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बारिश से हुए नुकसान से कुछ राहत मिल सके। पहले निजी भूमि में ही नुकसान की भरपाई के लिए मनरेगा के तहत राशि नहीं दी जाती थी, लेकिन अब आपदा को देखते हुए निजी भूमि मालिकों को भी राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये राशि केवल मात्र एक पत्र लिखने पर ही दे दी जाएगी, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। देखिए, जो बारिश के कारण जो पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है, उसका अभी पूरा आकलन तो नहीं हो पाया है। अभी पानी जो है सबसाइड किया है, थोड़ा उसका लेवल नीचे गया है, क्योंकि दो दिन से अभी बारिश जो है वो बंद है, पानी नीचे गया है। तो अभी असली आंकलन जो मैं समझता हूँ वो अभी आने को है, करीबन एक हफ्ता लगेगा। नुकसान जो है सभी विभागों को हुआ है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात करें, हम बिजली विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, सब में भारी नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ अगर इसको हम पूरा जब आंकेंगे, फाइनल रिपोर्ट आएगी, हालांकि सभी BDOs से, सभी DCs से और सभी उच्च अधिकारियों से, HODs से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, अपने अपने डिपार्टमेंट्स का आंकलन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट ले ली थी और एक लंबी मीटिंग भी उन्होंने जूम के द्वारा करी थी। और रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, आज ही सभी अधिकारियों के साथ बैठ के, हमारे सेक्रेटरी साहब उनके साथ बैठ के, डायरेक्टर साहब उनके साथ और सभी BDOs के साथ विस्तृत करके, यहाँ पे एक हमने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि मनरेगा में 1,00,000 रुपए देने की हम लोगों ने निजी भूमि, क्योंकि पहले निजी भूमि में अलाउड नहीं था, इस परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि किसी का खेत गिरा है, किसी की सड़क गिरी है, किसी के आंगन गिरा है और किसी के डंगे जो है घर के पीछे आए हैं, तो नुकसान हुआ है, तो भरपाई करना उनका बहुत मुश्किल है प्राइवेट, उसके लिए जो है सरकार ने व्यवस्था करी है कि मनरेगा के थ्रू 1,00,000 रुपये की राशि प्रति जो मनरेगा जो भी प्रति हाउसहोल्ड जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने देने का यहाँ पे फैसला किया। उसके बाद उसके लिए जो है डायरेक्टर रघुवीर ठाकुर जी ने जो नोटिफिकेशन भी आज जारी करी है, और क्योंकि उसमें मनरेगा की कोई स्कीम डालते हैं तो काफ़ी समय लगता है उसमें, पहले ग्राम पंचायत से पास होगा, फिर BDC के हाउस में जाएगा, फिर जिला परिषद में जाएगा, तो समय लगता है। तो इसमें हमने प्रावधान किया है कि बाद में जो है परमिशन आती रहेंगी, एक एप्लीकेशन केवल मात्र देने से जो है उनको परमिशन इमिजिएटली जो है दी जाएगी। और जो सीमेंट है, क्योंकि सीमेंट मनरेगा का जो सीमेंट है वो कई बार लेट हो जाता है, सिविल सप्लाई देती है, कई बार ऐसे हमारे पास रिपोर्ट आती है कि लेट हो जाता है, तो उनको हमने ये भी प्रावधान किया है कि वो ओपन मार्केट से खरीद के उसके बिल लगा सकते हैं, तो 60-40 का तो रेशियो वो है ही है, ताकि कुछ रिलीफ तो एटलीस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल सके। पंजाब के CTV के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।